संजय सिंह को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये जमानत वैसी जमानत नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने संजय सिंह की पत्नी को जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार बनाया है। संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि संजय सिंह सांसद हैं, उनके भागने का खतरा नहीं है। मामले पर ईडी ने कहा कि हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि शर्त ये है कि संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस में चर्चा नहीं कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के 5 ऐसे शर्त हैं जो कोर्ट ने संजय सिंह के सामने रखे हैं, जिसे मानने के बाद ही संजय को जमानत मिली है। क्या है वो शर्त? संजय सिंह की जमानत की शर्त तय करते हुए अदालत ने कहा कि वो दिल्ली NCR छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर किसी स्थिति में दिल्ली NCR छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी। अगर वो NCR छोड़ते हैं तो वो अपनी यात्रा के कार्यक्रम को IEO के साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही वो अपने लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसे जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे। संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी है कि वो दिल्ली शराब घोटाले मामले में और अपनी भूमिका को लेकर के मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। संजय सिंह को जाँच में सहयोग करने को कहा गया है। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वो जाँच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ईडी उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।